इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने सैमसंग के मोबाइल फोन में एक सेटिंग देखने को मिल रहा है टाइम टू टेक एक्शन का, तो आप इस सेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसका क्या यूज है मैं आपको ये भी बता दे दूंगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सेटिंग मिलता है कहाँ पर? तो इसके लिए जब आप अपने सैमसंग मोबाइल फोन के सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको यहाँ टाइम टू टेक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं कि जब आपके मोबाइल फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए तो कितने देर तक आपके डिस्प्ले पर शो करना चाहिए जब तक आप उस पर एक्शन नहीं ले लें। तो आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। जैसे दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से 30 सेकेंड सेलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों देखिए हमारे मोबाइल फोन पर अगर दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों वो जो है स्क्रीन पर हमारे सामने 30 सेकंड तक रहेगा। जैसे देखिए मैं अपने दूसरे मोबाइल फोन से एक मैसेज यहाँ पर किया तो ये नोटिफिकेशन हमारे सामने जो है 30 सेकंड तक रहेगा। और अगर हम 30 सेकंड के अंदर एक्शन लेंगे यानी कि इसे ओपन करके देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो 30 सेकंड के बाद यह जो है हट जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम जो है 30 सेकंड ही सिलेक्ट कर रखा है। तो आप चाहें तो 1 मिनट भी रख सकते हैं। 1 मिनट रखने पर कोई भी नोटिफिकेशन आने पर वो नोटिफिकेशन आपके सामने 1 मिनट तक वहां पर दिखेगा। 2 मिनट कर देंगे तो 2 मिनट तक दिखेगा। 10 सेकंड करेंगे तो 10 सेकंड। तो इस तरीके से आप इसे जो है सेट कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं सैमसंग के मोबाइल फोन में। तो वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।